दोस्तों वाहन तो चलेगी ही, इस सड़क पर उतर सकेंगे हवाई जहाज। दोस्तों झारखंड के देवघर पीरपैंती राष्ट्रीय राजमार्ग NH 133 पर दुमका के हसडिया से गोड्डा के मोहनपुर के बीच 4 लेन सड़क बनाने की तैयारी है। खास बात यह है इस सड़क की कि ऐसी सड़क बनाई जा रही है कि आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की यह परियोजना निर्माण सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 922 करोड़ की लागत से यह सड़क बनेगी। झारखंड बिहार में अभी कोई ऐसी सड़क नहीं बनी है जिस पर हवाई जहाज उतरने की सोचा जा सके। विभागीय स्तर पर बहाल कंसल्टेंसी एजेंसी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा अधिकारी इस बाबत वायुसेना के अधिकारियों से भी परामर्श कर रहे हैं। पूरी परियोजना एनएचएआई की देखरेख में ही धरातल पर उतरेगी। NH 133 पर हसडिया से गोड्डा के मोहनपुर तक 51.2 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। योजना राशि आवंटित भी हो गई है। मई तक टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर ली जाएगी। दोस्तों सूत्र बताते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस सड़क परियोजना को ऐसा बनाने का निर्णय लिया है कि इस पर विमान की लैंडिंग भी कर सके। इससे पहले ऐसा प्रयोग यूपी के एक्सप्रेसवे में हो चुका है। इस सड़क सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए अहम है क्योंकि यहां से बांग्लादेश और नेपाल की दूरी करीब 500 किलोमीटर के आसपास है। चीन के परिप्रेक्ष्य में भी यह सड़क महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों 5 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी बनने वाली है यह सड़क। NHAI के कार्यपालक अभियंता PR पांडे ने बताया कि NH 133 विमानों की लैंडिंग के लिए उपयुक्त हो सकता है। इस 4 लेन में गोड्डा शहर के बीच की सड़क की सर्वे रिपोर्ट में 3 से 5 किलोमीटर बिल्कुल सीधी सड़क का खाका तैयार हो चुका है। इस परियोजना को अभी तकनीकी मानकों पर भी परखा जाएगा। इसके लिए ही NHAI और वायुसेना के बीच संवाद हो रहा है क्योंकि सड़क बेशक NHAI बनाएगा मगर विमान तो इमरजेंसी स्थिति में वायुसेना को उतारने हैं। तकनीकी जांच रिपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। दोस्तों इस रिपोर्ट पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि हसडिया से महागामा के बीच 51.2 किलोमीटर लंबी 4 लेन के लिए टेंडर प्रक्रिया मई में पूरी होगी। 922 करोड़ रुपए की प्रस्तावित सड़क परियोजना पूरे संथाल परगना के लिए केंद्र सरकार की अहम सौगात होने वाली है। यह सड़क झारखंड बिहार की पहली सड़क होगी जिस पर आपातकालीन परिस्थिति में विमान भी उतारा जाएगा। दोस्तों ये काफी बड़ी परियोजना है और जैसे कि यूपी के एक्सप्रेसवे को बनाया गया है उसी स्तर पर यह 4 लेन सड़क को भी बनाने की प्रक्रिया चलेगी और लंबे समय तक चलने के बाद यह परियोजनाएं पूरी होने के बाद फाइटर प्लेन को उतारकर यह टेस्ट भी किया जाएगा कि यह सड़क इन मानकों को पूरी करती है या नहीं। तो दोस्तों इस बड़ी सी परियोजनाओं जो बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क पर बन रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।